मैं बहुत खुश हूँ आपके काम से। आपका जो काम है बहुत अच्छा है, आप जिस तरीके से कर रहे हो मतलब बहुत अच्छा कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदेश कुमार। दोस्तों, हमारे द्वारा एक मैरिज कराई गई है कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के द्वारा। आज एक नए कपल हमारे बीच हैं। सबसे पहले मैं इनसे परिचय कराता हूं आपका। आप अपना नाम बताइए और कहां से आए? सर, मेरा नाम मुकुल है, मैं आया हूँ दिल्ली आईनगर से। बेटा, आपका क्या नाम है? नेहा। नेहा, आप कहाँ से आए हो? करोलबाग से। करोलबाग दिल्ली से है ना? हाँ जी। दोनों ही दिल्ली से हो जी। सर, जब आप यहाँ पहुँचे थे तो मैंने आपसे पूछा था कि आपकी मर्जी है शादी में? हाँ जी, मेरी मर्जी है। आपकी मर्जी, मैंने पूछा था क्या? हाँ जी, हमने पूछे थे। आप यहाँ आए मेरे पास दिल्ली से, तो आप यहाँ क्यों आए, क्या कारण रहा, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दीजिए। सर, मैं काफी टाइम से आपकी वीडियो भी देख रहा था, और मैंने एक दो जगह वैसे बात भी की थी, लेकिन जो ट्रस्ट आपकी वीडियो देख के जो मुझे हुआ, वो मेरे को दूसरों की वीडियो देख के या बात करके मेरे सेटिस्फाई नहीं हो रहा मैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात कह दी आपने, क्योंकि आपकी बात औरों से भी हुई और ट्रस्ट आपका यहाँ जगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं, ट्रस्ट तो आपने यहाँ जगा लिया था और पहुंच भी यहाँ गए, और बाद में पता लगा कि जी भाई ट्रस्ट गलत जगह लिया था, तो ऐसी कोई फीलिंग तो नहीं आई इसके बारे में बताओ? नहीं सर, बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग नहीं आई। मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, जो एक आप बताई थी वही ली हमने? बिल्कुल सर, वही लिया आपने फीस। अलग से 1000-2000 और बढ़ा दिए? नो सर, नो, है ना? बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है, जैसा जैसा वीडियो में होता है, जैसा आप बताते हैं वही सेम यहाँ पे होता है। ठीक है, दूसरा, दिल्ली में सेम डे मैरिज नहीं होती है। कुछ लोग झूठ बोल के दिल्ली के कपल्स को बुलाते हैं कि भाई हम आपकी एक दिन में करा देंगे, उसके बाद उन्हें गाजियाबाद लेकर के आते हैं। हाँ जी, तो पता लगता है उनका पूरा दिन खराब होता है। जो 3 से 4 घंटे का प्रोसेस है उसे पूरा दिन सुबह से शाम खराब होती है, और फिर वो उस हिसाब से प्रिपेयर होके नहीं आते कि भाई दिल्ली से गाजियाबाद जाना है, तो थोड़ा सा परेशानी भी होती है आदमी को। तो आपके साथ ऐसा तो नहीं हुआ ना, हमने आपको सेम डे के लिए बुलाया। सर, जैसा आपने बताया, हमें सबसे पहले गाइड आपने अच्छे से किया जी, हमारे अच्छे से समझ भी आया, और जैसे आपने बताया एकदम हमारे इजीली मैरिज हो भी गई है। ओके, जो प्रोसीजर हमने बताया था वैसे ही सब कुछ हुआ है। हाँ जी, सबसे पहले आप पहुंचे थे तो हमने आपसे लिए थे डॉक्यूमेंट। हाँ जी, डॉक्यूमेंट लिए थे। हाँ जी, डॉक्यूमेंट लेने के बाद मैंने नेहा से पूछा था जी, जो जनरली मैं हर एक कपल में लड़की से पूछता ही हूँ। हाँ जी, कि भाई मर्जी है आपकी या नहीं है, या कोई दबाव या प्रेशर तो नहीं आता जी। हमारी कोशिश रहती है कोई गलत मैरिज ना हो जाए, ठीक है ना? सर, तो उसके लिए हम जानने के लिए प्रयास करते हैं। उसके जानने के बाद हमने जो आपके लीगल डॉक्यूमेंट तैयार कराए, तैयार कराने के बाद आपका जो अगला स्टेप था वो आर्य समाज मैरिज के लिए हमने आपको भेजा जी। सर, तो हिंदू मैरिज जैसे होती है वैसे ही मैरिज हुई है। नया आप बताओ बेटा, फेरे वगैरह हुए सब आपके? हाँ जी हुए। फेरे हुए थे? हाँ जी। जैसे आपने और किसी की शादियां देखी है कभी? हाँ जी। देखिए, वैसे ही शादी हुई आपकी? हाँ जी। कोई दिक्कत तो नहीं लगी आपको? नहीं। पंडित जी ने सही से समझाया? हाँ जी। आप मतलब जैसे जब आप आए थे यहाँ, तो मैरिज करने के लिए जब कोई कपल जाता है तो थोड़ा सा मन में उथल पुथल रहती है, तो कोई परेशानी तो नहीं आई किसी तरह की आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई और कपल यदि इसको देख रहा हो वीडियो को, तो यहाँ आ सकता है? हाँ जी, जरूर आ सकते हैं यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको? नहीं। चलिए, आप मुकुल, आप बताओ मुझे, जैसा आपके पहुंचने पर आपने देखा था कुछ कपल यहाँ पहले से बैठे हुए जी सर, ऐसे ही है ना? हाँ जी। और आपके आने के बाद भी कुछ कपल इधर आए हैं जी, तो कहीं ऐसा तो फील नहीं हुआ भाई आज सर के पास इतनी सारी शादी है, हम तो गलत समय पर आ गए, या हमारा प्रोसेस नहीं हो रहा? नहीं सर, जैसे कि मैंने देखा यहाँ पर आपके पास स्टाफ भी अच्छा है काफी, और आप अच्छे से मतलब सबने अच्छे से कराया हमारा, कहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सारी आपके स्टेप्स रहे। हाँ जी, डॉक्यूमेंटेशन का है, या हाँ जी, समाज मैरिज का है, या रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के आपको प्रेजेंट करना है। हाँ जी, कहीं ऐसा फील हुआ हो सर का स्टाफ साथ नहीं है, या फिर हमें सपोर्ट पूरी नहीं मिल रही है, किस तरह की ऐसी कोई फीलिंग तो नहीं आई? कोई फीलिंग नहीं आई सर ऐसी। ठीक है, ऐसा लगा आप एकदम मतलब खुद सपोर्ट कर रहे हैं, परिवार की तरह कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपका इस तरह का विश्वास है। दूसरा, जो हमने आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि मैं यहाँ ज्यादातर वीडियोस में ये बताता हूँ, उसके बावजूद भी कुछ कपल्स के साथ धोखा होता है। नोटेरी यानी किसी स्टाम्प पेपर पर मैरिज का सर्टिफिकेट नहीं बनता है। एग्रीमेंट वगैरह कराकर आप ये ना समझे कि आपकी मैरिज लीगल तरीके से हुई है, तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। जो जेन्युइन तरीका है वो दो ही तरीके हैं, या तो हिंदू मैरिज एक्ट, जैसे हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से मैरिज करें, या इसी लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, चाहे मुस्लिम हैं चाहे ईसाई हैं, तो पहले आपका संस्था का सर्टिफिकेट बनेगा और उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के सामने आपको प्रेजेंट किया जाएगा। ये प्रोसीजर है। दूसरा है स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रोसीजर, पर उसमें क्योंकि इन्फॉर्मेशन घर पहुँचती है और एक लंबा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसलिए उसे व्यवहारिक थोड़ा व्यवहारिकता में उसमें दिक्कत है,
कि 30 से 90 दिन का टाइम हर किसी के पास नहीं होता है उस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए। यदि लव मैरिज कपल है तो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग आप मैरिज कर सकते हैं, और इनकी भी मैरिज उसी प्रोसेस से कराई गई है। दोनों कपल हिंदू है, पहले इनका जो है ये संस्थागत सर्टिफिकेट है, आर्य समाज मंदिर से मैरिज हुई है। उसके बाद दूसरा जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, ये मैरिज के जो सक्षम अधिकारी है वहां से आपको प्रोवाइड किया गया। हाँ जी सर। तो पहले आपकी मैरिज हुई, हाँ जी, फेरे हुए ना प्रोफाइल, फेरे हुए आर्य समाज में, आर्य समाज में। उसके बाद आपको रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के सामने हमने प्रेजेंट किया, हाँ जी करा, वहाँ बायोमेट्रिक वगैरह, बायोमेट्रिक हुआ हमारा वहाँ पर। अच्छा, साथ साथ एक चीज और क्लियर कीजिए, ये जो सर्टिफिकेट है आपको ऑनलाइन चेक करा दिया है? हाँ जी, ऑनलाइन चेक करा दिया मेरे को। कपल्स का एक डाउट और रहता है, ज्यादातर कपल मुझे पूछते हैं कि सर कोई नोटिस या इन्फॉर्मेशन घर तो नहीं पहुंचेगी, कितने दिन पहले आपने मुझे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए थे? सर मैंने आपसे परसों कॉन्टेक्ट किया था, ठीक है, परसों के बाद फिर मैं आज, आपने बोला जी जी, आज आया, आते ही आज एकदम फाइनल हो गया हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर कोई कपल आना चाहता है तो सर के पास बिना कोई झिझक के आ सकता है, किसी तरह की परेशानी तो नहीं आएगी, किसी तरीके की परेशानी नहीं आएगी। चलिए, आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद, और जो गवाह हैं आपके वो तालियां बजा रहे। वीडियो में आना चाहेंगे? सर आना चाहेंगे। मैं बहुत खुश हूँ आपके काम से, आपका जो काम है बहुत अच्छा है, आप जिस तरीके से कर रहे हो मतलब बहुत अच्छा कर रहे हो। देखिए, हमारी गवर्नमेंट भी इंटरकास्ट मैरिज को प्रोत्साहन दे रही है, ठीक है ना, और हमारा संविधान के हिसाब से या कानून के हिसाब से जो भी 18 साल से ऊपर लड़की है या 21 साल से ऊपर लड़का है वो अपनी मर्जी से शादी कर सकता है। और मैं तो ये कहूंगा यदि इस तरह के कोई कपल है तो परिवार को भी सपोर्ट देनी चाहिए। वैसे आज की डेट में हम ये देख रहे हैं कि 80% शादियों में एक ना एक परिवार सपोर्ट में आ जाता है, पर कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनके परिवार साथ नहीं रहते हैं।